हेलो, मिश्रा क्लासेस की तरफ से सभी को नमस्कार। आज फिर से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मत समझिए, ये आपके नैया को पार लगाने वाले क्वेश्चंस हैं। जितना बढ़िया तरीके से बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको सफलता उतनी आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। पहला क्वेश्चन यह है कि वाटर चैनल बना होता है तो ये मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन्स का बना होता है। 8 डिफरेंट टाइप के एक्वापोरिन्स का बना होता है। दूसरा क्वेश्चन है वाटर मेलन में, मतलब तरबूज में कितना वाटर पाया जाता है। तो मोर देन 92% वाटर मिलन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मैच्योर कॉर्न प्लांट कितना वाटर एब्जॉर्ब करता है पर डे। तो मैच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर इन अ डे। एक दिन में लगभग 3 लीटर वाटर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब करता है। अगर मस्टर्ड प्लांट के बारे में पूछा जाए कितना वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्ब वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अबाउट 5 आवर्स। तो मस्टर्ड प्लांट 5 घंटे के अंदर अपने बॉडी वेट के बराबर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जो बताने जा रहे हैं, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर इज टेकन टू बी 0। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है। कंडीशन आप समझ लीजिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए, प्रेशर कोई भी नहीं होना चाहिए, तब प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी इसेंशियल इम्पॉर्टेंट। सॉल्यूट पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, लेकिन प्रेशर पोटेंशियल यूजुअली पॉजिटिव, जनरली पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, अगर तुमसे पूछा जाए प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस कैसी होती है, तो ये रिवर्सिबल होती है। द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इज यूजुअली रिवर्सिबल, बहुत इम्पॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस। बहुत सारे कैंडिडेट लगा देते हैं ये फास्ट प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस नहीं है, ये स्लो प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट अकर्स वाया एपोप्लास्ट मेथड। अधिकांश वाटर का फ्लो रूट से एपोप्लास्ट मेथड के द्वारा होता है। जब वाटर का फ्लो सेल वॉल से होकर होता है तब उसे एपोप्लास्ट कहते हैं, लेकिन जब साइटोप्लाज्म से होकर होता है तो उसे सिम्प्लास्ट कहते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। और अगर चैनल पर नए हैं और अगर जो आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, मैंने शर्त रखी है अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने अपने ग्रुप पर शेयर कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो सभी आप तक पहुँचते रहे। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन पर डे आपको देंगे और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं आपको ऐसी शक्ति प्रोवाइड करें, ऐसी ताकत दें जिससे आप कठोर से कठोर मेहनत कर सकें और एक अच्छे से अच्छा मेडिकल कॉलेज प्राप्त कर सकें और नीट के अंदर आप टॉप 10 के अंदर आएं। ओके।